नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? तो केरल में। किस राज्य में होता है दोस्तों? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? कटक में। कहाँ पर है? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं? अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं तो संकरण द्वारा। किसके द्वारा? संकरण द्वारा। नेक्स्ट है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर देखेंगे राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो आंसर देखेंगे सिसली का स्ट्रामबोली। सिसली का स्ट्रामबोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? तो आंसर है सिंधु गंगा घाटी। सिंधु गंगा घाटी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो आंसर देखेंगे, आंसर है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो वो है सहारा मरुस्थल। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो आंसर देखेंगे बोध गया। कहाँ पर हुई थी? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो उत्तर है कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो आंसर देखेंगे दोस्तों चीन में। किस देश में हुआ? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? तो उत्तर है जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सर्वोच्च बलों का सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो किसकी की? फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी की? फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत कब आया? तो उत्तर है 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल स्थित है? तो दोस्तों हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो आंसर देखेंगे जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिक्कों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? तो उत्तर देखेंगे बैसाखी। कौन सा है? बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आंसर है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी
किस महापुरुष को कहा जाता है दोस्तों? तो किसको कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। किनको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो आंसर देखेंगे दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो आंसर है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उत्तर है बाघ। कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है? तो उत्तर देखेंगे मोर। कौन सा है? मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है? तो वह है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर देखेंगे आम। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा कमल। कौन सा है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई अनुपात में है, यानी किस अनुपात में है? तो दोस्तों, किस अनुपात में है? तो उत्तर देखेंगे 3:2, 3:2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो दोस्तों, किसने लिखा? तो आंसर देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर।